देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। आपकी कुंडली में हम आपको बताते हैं आपके पूरे हफ्ते का राशिफल, ताकि आपको पता हो कि इस हफ्ते किन किन बातों का ध्यान रखना है और कहां सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे साथ शुरू में खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं देवशंकर शास्त्री जी, जिनसे हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में, आपकी कुंडली के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका श्रेष्ठ भारत में। नमस्कार। तो राशिवार तरीके से हम शुरुआत करेंगे कि आने वाला हफ्ता 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आचार्य जी, मेष राशि, इनके लिए 6 मई से 12 मई तक का समय आप कैसा देख रहे हैं? जो मेष राशि के लिए 6 तारीख से 12 तारीख तक का जो समय क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेष राशि वालों के 6 से 12 मई तक के ये सप्ताह लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करेगा। सप्ताह के मध्यम में कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में आपको राहत मिलेगा। कारोबार को विस्तार से देखें तो उसमें भी आपको एक अच्छा फल मिलेगा और अच्छे समय आपको मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन जो थोड़ी बहुत कठिनाई चल रही थी उसमें सुखी रहेगा। फिर भी इस सप्ताह के अंदर में मेष राशि वाले कोई उपाय आप करना चाहते हैं तो लाल रंग का रुमाल, देखिए आपके राशि का स्वामी मंगल है, लाल रंग का रुमाल अगर आप प्रयोग में लाते हैं, अपने जेब में रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपके लिए बहुत बेहतर समय और बहुत अच्छा ये सप्ताह निकलेगा। चलिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है और यही बात बताई गई है आचार्य जी द्वारा। आचार्य जी, अगली राशि का रुख करेंगे, वृषभ राशि, इनके लिए आप क्या संदेश लेकर आए हैं? जी, मैं वृषभ राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, वृषभ राशि वालों के लिए 6 मई से 12 मई तक का सप्ताह शुभ रहेगा। धन और सुखी की धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, पैसे पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और इस सप्ताह के आखिर में धार्मिक कार्य में भी आपका रुचि बढ़ेगा, उसमें आप शामिल होंगे और बहुत अच्छे अवसर आपको मिला हुआ है। प्रेम संबंध भी आपका बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी इस सप्ताह अपने आप को वृषभ राशि वाले मजबूत करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गाय को मीठी रोटी बना करके खिलाइए, मैं कहना चाहूँगा बहुत आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको गाय को मीठी रोटी खिलानी है, यही आपका उपाय है वृषभ राशि के जातकों के लिए। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, मिथुन राशि, इनके लिए आप क्या कहेंगे, इनके क्या जो रुके हुए काम हैं हो पाएंगे? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, मिथुन राशि के लिए 6 से 12 मई तक का सप्ताह गुड लक है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए काम बहुत अच्छे पूरे होंगे। किसी योजनाओं का किया हुआ जो आपका योजना था उसमें एकदम बढ़िया निवेश किया हुआ लाभकारी होगा। व्यवसाय से संबंधित परेशानियाँ दूर होगी और परिवार के हर तरह की समस्याएं आपके जो है सो हल होगी, दूर होंगे। फिर भी इस सप्ताह अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन मंदिर में ध्वजा दान करें, बजरंग बली के चित्र बना हुआ हो जिसपे, उसको दान करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो उपाय आपका क्या है वो आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कर्क राशि के जातक, इनके लिए आप क्या कहेंगे, इनके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? जी, मैं कहना चाहूँगा इस सप्ताह के अंदर में कर्क राशि वालों के लिए 6 मई से 12 मई तक का सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहेगा। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का धन बाजार में जैसे भी परिस्थिति बनी हुई है उसमें कसाकस रहेगा। हो सकता है किसी पर जो है इतने आंख बंद करके विश्वास ना करें, भरोसा नहीं करें, जिससे कि आपको कोई नुकसान हो, क्योंकि मध्यम समय आपको प्राप्त हो रहा है इस सप्ताह। फिर भी आप इस सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लेंगे और मजबूत करने के लिए चांदी का टुकड़ा और चावल, छोटा सा चांदी का टुकड़ा और चावल, सफ़ेद चावल अगर किसी कपड़े में बांध करके अपने या पन्नी में डाल करके अपने जेब में आप रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो आपको आचार्य जी बता रहे हैं कि आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, सिंह राशि की हम बात करेंगे। आचार्य जी, सिंह राशि, इनके लिए आप क्या पैगाम लेकर आए हैं? जी, सिंह राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए 6 मई से 12 मई तक का सप्ताह खुशियों से भरा हुआ रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से आपके खुशी का माहौल बना रहेगा और व्यवसाय में भी भरपूर तरक्की आपको मिलेगा। व्यवसाय के अंदर में भी तरक्की है,
परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे आप। ये सप्ताह आपके लिए सिंह राशि वाले बहुत बेहतर है और मजबूत बनाने के लिए किसी भी धर्म स्थान पे अखरोट और नारियल का दान करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो दान तो बहुत अच्छा होता ही है और आपको इस बार दान ही करना है। कन्या राशि, इनके लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? जी, कन्या राशि वालों के लिए 6 मई से 12 मई का सप्ताह इस बार पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए मन में बहुत तरह की चिंताएं रहती है, उस चिंताओं को आपको दूर करके रखना है। बाहर सभी कामों में ध्यानपूर्वक करें। संतान से जुड़ी कोई भी समस्या आपकी परेशानी चिंता को कारण बना सकती है इस सप्ताह, और अपने सेहत पे भी विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सप्ताह वीक है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अपने आप को इस सप्ताह मजबूत करना चाहते हैं तो मन को बिल्कुल शांत रखिएगा और माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला जो है उसको आप अर्पण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो जो सारे उपाय हैं वो आपको बताया जा रहा है ताकि आगे जो आपका सप्ताह है बहुत अच्छा रहे। आगे बढ़ेंगे तुला राशि के जातक, इनके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है आचार्य जी? जी, तुला राशि वालों के लिए सप्ताह 6 मई से 12 मई तक का समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय से लाभ पाने की थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यह समय आपके संबंधों के लिए ठीक है पर सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह। कारण क्या है, कुछ ग्रहों के कारण थोड़ा वीक रहेगा, हो सकता है मन आपका अशांत रहेगा, तो मन को अशांत ना रखें और अपने आप को इस सप्ताह मजबूत करके चलें और अच्छे से सोच करके ये सप्ताह निकालें तो अच्छा रहेगा। शनिवार को वट वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं तो ये सप्ताह जो कमजोर है वो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत समस्या हो भी तो भी उपाय करके आप उसको उसका जो असर है कम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि, इनके लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा, जो 6 मई से 12 मई तक का समय किसी बड़ी चिंता से मुक्ति दिलाएगा आपको। व्यवसाय में आ रही बाधाएं दूर होगी। किसी नई व योजनाओं के जो है सो प्रबंध बन सकते हैं। समाज में मान सम्मान आपको मिलेगा और सेवा से जुड़े रहिए, अच्छे फल की प्राप्ति होगी आपकी और परिवार में भी बड़ी सुखद शांति बना हुआ है। प्रत्येक दिन अगर कोई उपाय करना चाहते हैं आप तो प्रत्येक दिन श्री राम स्तुति का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा और इससे ये सप्ताह बहुत अच्छा निकलेगा। बिल्कुल, तो आपके लिए सप्ताह अच्छा निकलेगा जो कि आचार्य जी बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे धनु राशि, इनके जातकों के लिए आप क्या कहेंगे, इनके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? मैं धनु राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा, ये सप्ताह थोड़ा व्यस्तता से भरा रहने वाला है। काम का बोझ ज्यादा रहेगा लेकिन मेहनत की अपेक्षा फल मिल सकता है आपको। चिंता न करें किसी भी बात की। किसी नए कार्यों से जुड़े रह सकते हैं आप। काम के कारण परिवार में समय कम दे पाएंगे, जिससे कि परिवार के अंदर में हो सकता है थोड़ा सा मन मुटाव होने का संभावना बन सकता है। तो प्रयास करके ये चलिए जो आप अपने परिवार को भी समय दीजिए तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। फिर भी अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लक्ष्मी नारायण जी भगवान की पूजा पाठ करें तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको आपके लिए क्या तरीका है सप्ताह को बेहतर करने का वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मकर राशि, इनके लिए आप क्या कहेंगे आचार्य? हाँ, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह मनचाहा फल देगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। काम का बोझ कम रहेगा। व्यवसाय में भी अच्छा लाभ मिलेगा और परिवार के साथ कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं आप, और ये सप्ताह आपके लिए बहुत सुंदर निकलने वाला है। रिलेशनशिप में भी कई दिनों से कोई समस्याएं चल रही थी तो मकर राशि वाले, आपके लिए बहुत बेहतर सप्ताह ये शुरुआत हुआ है। फिर भी आप अपने इस सप्ताह को मजबूत करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन गाय को बेसन के लड्डू खिलाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो अब समय आ गया है कुंभ राशि के जातकों के लिए हम बताएं कि आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, बता दीजिए आचार्य जी। कुंभ राशि वालों के लिए 6 से 12 मई तक का समय भाग्य दौर वाला रहेगा। इस सप्ताह परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, साथ ही आपको स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। कुछ भी किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज न करें।
आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, फिर भी अपने आप को कुंभ राशि वाले मजबूत करना चाहते हैं ये सप्ताह, तो प्रत्येक दिन आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें तो आपके लिए लाभ रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो अब समय आ गया है मीन राशि के बारे में बताने के लिए, क्योंकि सबसे आखिर ये राशि है, उनको आखिर तक इंतजार करना होता है। चारे जी बता दीजिए। जी, मैं मीन राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा 6 मई से 12 मई तक का सप्ताह अच्छा रहेगा आपका। भूमि भवन के काम क्रय विक्रय के लिए अच्छा है समय। व्यापार में लाभ होंगे, धर्म कर्म में ध्यान लगा आपका रह सकता है, जिससे कि ये सप्ताह आपके सुखमय जीवन व्यतीत रहेगा। फिर भी अपने आप को मीन राशि वाले मजबूत करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाए करें, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम राशियों के बारे में हम आचार्य जी बात हमने करी है। इसके साथ ही हम चाहेंगे जो आप टिप देते हैं, किचन से जुड़ी हुई, घर से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई एक टिप भी दे दीजिए। जी, मैं छोटा सा शब्द कहना चाहूँगा अपने प्रिय बंधु को, अपने भाइयों और बहनों को, जो संसार में और देश दुनिया में इस तरह के जो है सो बात, देखिए परिवार में या व्यापार में या नौकरी व्यवसाय के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्याएं कभी भी आ जाती है, तो मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ। देखिए, तुलसी का जो पौधा है, हमेशा तुलसी का पौधा किधर रखना चाहिए, कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तुलसी के पौधे को कहीं पे भी रख देते हैं, तो मैं विशेष तौर पे अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर और पूरब के कोने में रखा करिए। उत्तर और पूरब के दिशा में आप रखते हैं तुलसी के पौधे, तो आपको घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई भी दिक्कतें चल रही थी बहुत दिनों से तो दिक्कतें दूर हो जाएगी। मान लीजिए लंबे समय से कोई बीमारी से जूझ रहे थे तो बीमारी आपकी दूर होगी। और आप एक काम करिएगा जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई मनचाहा फल की प्राप्ति करना हो तो विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा, जो मोली होता है जो हाथ में बांधे जाते हैं, उसको छोटा सा तोड़ करके और तुलसी के पौधे में शनिवार के दिन 7 गांठ बांध दीजिए, लगा दीजिए उसमें, बांध दीजिए और आप 2 बार बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 2 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र बोल दीजिए। और जो भी आपके मन की ख्वाहिश है, जो भी आपका विष है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा वो विष आपका पूरा होगा और माँ तुलसी की कृपा विशेष तौर पे आपके परिवार में प्राप्त होगा। किसी भी तरह की जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं निश्चित तौर पे आपकी दूर हो जाएगी। ये बहुत सुंदर उपाय है, इसे जरूर करें। और ख़ास तौर पे तुलसी के पौधा को उत्तर और पूरब के दिशा में रखिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी यहाँ पर आ पाए और ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी है। तो आपकी कुंडली में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।